हेलो टू ऑल, एक बार आपका फिर से मेरी किचन में स्वागत है एक नई ब्रेकफास्ट रेसिपी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पर बेसिक इंग्रेडिएंट से ही आप इसको बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाने का पोहा। साबूदाना जो आपको बाज़ार में ईजीली अवेलेबल है वो आप ला सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे वाला साबूदाना इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगोकर सुबह इसका पानी निकाल दिया है। फाइन कटा हुआ हरा धनिया, 2 या 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, मस्टर्ड सीड, ग्रेटेड अदरक, एक बड़े साइज़ का टमाटर, कड़ी पत्ता, नींबू और हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है मूंगफली। मूंगफली दाने को मैंने रोस्ट कर उसका एक दरदरा सा चूरा बना लिया है। ये हम अपने साबूदाना में मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी सारा ऑब्जॉर्व हो जाएगा। अपने मूंगफली दाने को साबूदाने के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इससे हमारा साबूदाना भी खिला खिला बनेगा और साबूदाने का एक्स्ट्रा पानी सारा हमारा मूंगफली पी जाएगी। हमारा मूंगफली दाना साबूदाने के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम अपने साबूदाने का पोहा बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए अपना साबूदाने का पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसमें अपने रई के दाने डालेंगे और इनको क्रैक होने तक छोड़ देते हैं। अब इसमें अपनी हरी मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता, अब इसमें हम अपना साबूदाना ऐड करेंगे और 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 नींबू। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं। हमारा साबूदाने का पोहा अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इस पर अपना फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। अब आप लोग इसे खाइए, सर्व कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।